हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको वन स्टेप हिना इंडिगो का बताऊंगी। यहाँ पे मैं मेहंदी जो यूज़ करूंगी वो यूज़ करूंगी पायल सिन्हा जी की मेहंदी, और मैं इंडिगो पाउडर भी यूज़ करूंगी। साथ ही साथ आपको इसमें डेमो रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी और कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी मैंने इसमें डाले हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए मैं बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ कि किस में कौन सा रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में भी मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, उसको बनाया है और उसके बाद अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद आपको रिज़ल्ट इसी वीडियो में शो करूँगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो या अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बनाएंगे कॉन्क्वेशन। कॉन्क्वेशन में हम यूज़ करेंगे, पहले मैंने एक गिलास पानी डाला है और उसके बाद मैंने डाला है मेथी दाना। यहाँ पे मैंने मेथी दाना एक चम्मच डाला है, इससे आपके बालों की कंडीशनिंग भी होगी और कलर भी गहरा होगा। मेथी डालने के बाद आपने इसको दो मिनट के लिए, एक से दो मिनट के लिए इसको बॉईल करना है सेम आँच पे, और बॉईल करने के बाद इसका कलर आ जाएगा, मेथी का पीला कलर आपको दिखने लगेगा। उसके बाद आपने इसमें ऐड करनी है दो चम्मच चाय की पत्ती, जो हम घर में चाय पीते हैं वही वाली चाय की पत्ती हमने डालनी है। दो चम्मच हम डालेंगे और इसको फिर से एक से दो मिनट के लिए बॉईल करना है और सेम आँच पे करना है। उसके बाद इसको बंद कर देना है गैस को और इसको ढक के रख देना है। ढक के रखने के बाद आपने इसको तब तक यूज़ नहीं करना जब तक ये ल्यूकवॉर्म ना हो या फिर नॉर्मल हो जाए, तब तक हमने इसको ढके रहना है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम यूज़ करेंगे मेहंदी। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पायल सिन्हा का हर्बल मेहंदी। नाउ पायल सिन्हा के हर्बल मेहंदी में पहले भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, और यहाँ पे मैंने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग मेहंदी ले ली है और एक काली कढ़ाई में मैंने मेहंदी डाली है। आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से मेहंदी डालें। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है एक चम्मच ब्राह्मी पाउडर, ब्राह्मी पाउडर मैंने डाला है, और साथ ही साथ मैंने डाला है एक चम्मच जटामासी चूर्ण, जटामासी का पाउडर। नाउ जटामासी का पाउडर भी आपके बालों को काला करने में हेल्प करता है। फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे भृंगराज पाउडर भी डालना था एक चम्मच, बट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। अगर आपके पास हो तो आप एक चम्मच भृंगराज पाउडर भी डाल दें। उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पे एक चम्मच आंवला पाउडर। तो फ्रेंड्स, इन सब हर्ब्स को आपने पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने जो कॉन्क्वेशन हमने बनाया था उसको छान के इसको अच्छे से पेस्ट बना लेना है। मेन जो चीज़ है हमारी काली कढ़ाई होनी चाहिए और कॉन्क्वेशन अच्छे से उबला हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करके आपने ढक के रख देना है। इसमें हवा नहीं जानी चाहिए, इसलिए मैं प्लास्टिक रैपर यूज़ करती हूँ, हवा नहीं जानी चाहिए। और इसको ढक के आप पूरी रात के लिए रख दें। सुबह आप देखेंगे इसका कलर वैसे ही बहुत अच्छा गाढ़ा हो गया है। अगर आपको डार्क ब्राउन शेड चाहिए, ब्राउन शेड में आप हैप्पी रहते हैं, कम आपके ग्रे हेयर हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसी पैक को भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स ऑसम, मीन्स बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। एंड देन सेकेंड स्टेप में हम यूज़ करेंगे इंडिगो। तो फ्रेंड्स, इंडिगो बनाने के लिए सबसे पहले हमने लेना है कांच का बाउल। कांच के बाउल में हम डालेंगे इंडिगो पाउडर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच इंडिगो पाउडर डाले हैं, और जितनी मैंने मेहंदी ली थी उससे कम इंडिगो पाउडर मैंने यहाँ यूज़ किया है, क्योंकि मुझे ब्राउन शेड चाहिए, मुझे जेट ब्लैक नहीं चाहिए। अगर आपको जेट ब्लैक चाहिए तो आप इस 4 चम्मच को 8 चम्मच कर दीजिए, मीन्स डबल कर दीजिए। जितनी हमने मेहंदी ली थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में हम इंडिगो डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे इंडिगो पाउडर का क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा डार्क कलर चाहिए। नाउ आपने इंडिगो पाउडर डालना है, उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ करना है कर्ड। कर्ड डालेंगे, कर्ड से ही हम इसका पेस्ट बनाएंगे। इसमें और पानी वगैरह मैं कुछ नहीं डालूंगी। एंड देन मैंने यूज़ किया है यहाँ पे लेमन जूस। एक लेमन लिया है, उसका जूस निकाल लिया है, और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसको भी हमने प्लास्टिक रैपर से रैप करना है, 5 मिनट के लिए इसको रख देना है। उसके बाद आपने इन दोनों को, हिना और इंडिगो दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करके साथ ही साथ अपने बालों में लगाना है। बालों में लगाने से पहले आपका हेड वॉश होना चाहिए, आपके बालों में ऑयल नहीं होना चाहिए, डस्ट डर्ट नहीं होना चाहिए। जितना क्लीन आपका हेयर होगा, स्कैल्प होगा, आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नाउ
नाउ आप यहाँ पे मेरा बिफोर का पिक्चर देख सकते हैं कि किस तरह से मेरे हेयर ऑरेंज या फिर वाइट कलर में है, रूट से वाइट है, अदरवाइज ऑरेंज कलर है। तो नाउ इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम मेहंदी लगाते हैं उसी तरह से इसको हमने अप्लाई कर लेना है। और स्टार्ट करें आप टॉप से, जहाँ आपके ज़्यादा वाइट हेयर हैं वहाँ आप इसको मोटी लेयर लगाएं और धीरे धीरे करके सारे बालों पे लेयर वाइज लेयर लगाते जाएं और उसको अच्छे से एक बन बना लें। बन बनाने के बाद, सब मेहंदी और इंडिगो लगाने के बाद, आपने प्लास्टिक रैपर या फिर शावर कैप ज़रूर 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 यूज़ करना है। इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, आप लगाइएगा, शावर कैप ज़रूर पहनिएगा। और शावर कैप, अभी गर्मी का सीज़न है, आप बोलेंगे कि पसीना आता है, तो आप शावर कैप में हल्का सा छेद कर लीजिएगा, ऊपर से हल्का सा उसको काट लीजिएगा ताकि उसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन पास हो तो आपको पसीना नहीं आएगा। इस तरह से मैंने इसको लगाया है 3 घंटे। आप इसको 2 घंटे कम से कम लगाएं, 2 से 3 घंटे आप लगा सकते हैं। और उसके बाद आपने इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर देना है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल पानी से वॉश करने के बाद आपने इसको अगले 2 दिन कोई भी ऑयलिंग नहीं करनी है। कभी भी आप मेहंदी लगाते हैं, इंडिगो लगाते हैं, मेहंदी इंडिगो दोनों लगाते हैं, या फिर 2 स्टेप करते हैं, 1 स्टेप करते हैं, जिस तरह से भी इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो जब हम इसको पानी से वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद आपने इसको 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए छोड़ देना है। कम से कम 1 दिन तो आप बिना ऑयल के रखें अपने बालों को, और उसके बाद आप इसमें ऑयलिंग कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमने ऑयलिंग किस तरह से करनी है, हिना इंडिगो या कोई भी प्रोसेस करके किस तरह से हम ऑयलिंग करें ताकि जो भी कलर हमारे बालों में आया है वो और डार्क हो जाए। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। और यहाँ पे जो मैं आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ, ये 2 दिन के बाद का रिज़ल्ट है। कलर बहुत अच्छा आया है, डार्क ब्राउन शेड आया है। इस पैक को हम 15 दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं। जो लोग मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी के साथ इंडिगो को भी यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हो, तो ये डार्क ब्राउन अच्छे से शेड देगा। और अगर आपके पास पायल से नाजी की हर्बल मेहंदी नहीं है, तो आप नॉर्मल नूपुर वाली भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई प्लेन मेहंदी भी यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक इट विल वर्क। और इसको धोने के बाद जो मुझे फील हुआ कि अगर जब हम मीना और इंडिगो का प्रोसेस करते हैं, ख़ास तौर पे जब हम इंडिगो यूज़ करते हैं, तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई से होने लग जाते हैं। तो इस पैक से आपके बाल ड्राई नहीं होंगे, क्योंकि हमने दही डाला है। दही डालने से आपके बालों में मॉइस्चर बना रहता है और आपके बाल बिल्कुल ड्राई नहीं होंगे। और वैसे भी हमने जो भी हर्ब्स डाली हैं, मेथी दाना डाला है, इनसे आपके बालों की कंडीशनिंग होती है, तो आपके बाल सिल्की और स्मूथ रहेंगे, ड्राई नहीं होंगे। 2 दिन के बाद आपने ऑयलिंग करनी है, और ऑयलिंग आपने रात को करनी है, सुबह आपने फिर इसको वॉश कर देना है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए गए बेल बटन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस को आप मिस न कर पाएं। तो आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।